सो वेलकम वंस अगेन गाइज ऑन द चैनल सो गाइज आज की वीडियो में गाइज हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन द यू के एंड क्या क्या गाइज स्ट्रगल मैंने फेस की अकोमोडेशन फाइंड करने में एंड किन बातों को आपको ध्यान में रखना है यूर अकोमोडेशन एंड क्या क्या स्टेप्स हैं गाइज जो आप अकोमोडेशन फाइंड करने से पहले अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली बिफोर मूविंग फर्दर गाइज इफ यू आर न्यू ऑन दैट चैनल टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड इस चैनल पर आपको यूके के रिलेटेड यूके की लाइफ के रिलेटेड यूके की स्टूडेंट लाइफ के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने को मिलेंगी इन द फ्यूचर एंड ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियोज बना रखी है टू मेक श्योर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेलाइकन सबसे पहले guys, बात करेंगे कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है तो नंबर फर्स्ट पर गाइज़ मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर हो सके ना तो गाइज़ आप प्लीज़ इंडिया से ही अपनी अकोमोडेशन कोई भी बुक कर कर आए या फिर आप अरेंज कर कर आए कैसे भी कर, कर ठीक है अगर आप कर सकते हो बिकॉज गाइज इंडिया में हम सोचते हैं कि हम यूके जाकर जो अकोमोडेशन है उसको फाइंड करेंगे ठीक है या फिर वहां पर किसी से बात कर लेंगे अकोमोडेशन के रिलेटेड लेकिन गाइज ये बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं है आपके पास गाइज बहुत सारी साइट्स होती हैं जैसे कि एम्बर स्टूडेंट हो जाता है इसके बाद स्पेयर रूम डॉट कॉम होता है इसके अलावा गाइज आपके पास थर्ड ऑप्शन होती है कि आप यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में तो आप उसमें स्टे कर सकते हो लेकिन गाइज अगर आप प्रेफर करते हो प्राइवेट अकोमोडेशन तो ये फाइंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क होता है आ, अगर गाइज आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहोगे तो उसमें गाइज आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सबसे पहले तो उसका स्टे टाइम उसका टर्म टाइम बहुत ज्यादा होता है उसमें गाइज आपको नाइन टू ट्वेल्व मंथ्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो करना पड़ता है एंड उसमें गाइज आपको इंस्टॉलमेंट में उनको पे करना पड़ता है इसका जो पे रेट होता है गाइज वो हंड्रेड पाउंड से लेकर वन ट्वेंटी वन थर्टी तक होता है जो कि बहुत ज्यादा जो कि बहुत ही ज्यादा है गाइज एंड उसमें गाइज आपका जो टर्म टाइम है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है इसके अलावा गाइज वहा आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते वन ईयर तक वहां से गाइज आपको यूनि तो आपकी नियर पड़ जाती है लेकिन अगर आपकी जॉब कहीं और है तो गाइज आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है सेकेंडली गाइज अगर आप एम्बर स्टूडेंट के थ्रू करोगे तब भी गाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट उनका सिक्स मंथ से लेस नहीं मिलने वाला उसका भी आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है अगर आप स्पेयर पर अगर करोगे सर्च तो गाइज उस पर दिक्कत आती है कि वो आपसे ग्रंटेड मांगते हैं कि अगर आपका यूके में कोई फ्रेंड रहता हो जो कि फुल टाइम जॉब करता हो ठीक है या फिर आपका कोई रिलेटिव रहता हो जो कि आपकी गारंटी ले सके कि आप मंथली पे कर सकते हैं तो गाइज़ मे बी हम जो भी उधर से आते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं होते यहाँ पर एंड स्पेशली उस शहर में तो नहीं होते जैसे कि मेरे केस में मेरे सारे रिलेटिव्स लंडन डारबी वगैरह में हैं मेरे सारे फ्रेंड्स वगैरह लेकिन गाइज़ मेरी यूनिवर्सिटी है बोल्टन में मैनचेस्टर में सो गाइज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी एंड गाइज मैं ट्वेंटी डेज तक मैं रहा था लंडन में एंड वहाँ से ट्राई कर रहा था कि अगर कोई अकोमोडेशन मेरे को मिलती है मैं स्पेयर रूम डॉट कॉम पर कम से कम गाइज फिफ्टीन टू ट्वेंटी अकोमोडेशन देखी लेकिन गाइज मेरा काम नहीं बना एंड उसके अलावा भी गाइज मैंने बैर स्टूडेंट के थ्रू अप्लाई करने का सोचा लेकिन गाइज़ उसका जो रेंट वगैरह था वो बहुत ज़्यादा हाई था एंड साथ ही में गाइज जो टर्म टाइम कंडीशन थी लाइक आपको सिक्स टू वन ईयर तक का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है उनके साथ तो ये सभी चीज़ें गाइज मुझे अच्छी नहीं लगती तो गाइज़ मुझे इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ गई मुझे अकोमोडेशन फाइंड करने में उसके अलावा गाइज़ आप एक काम कर सकते हो कि जिस जिस सिटी में आपका यूनिवर्सिटी है लाइक आपकी मैनचेस्टर में अगर यूनिवर्सिटी है या फिर इसके अराउंड है तो आप मैनचेस्टर में कोई होटल वगैरह ले सकते हैं यहाँ पर आप थ्री टू फोर डेज रह सकते हैं एंड वो थ्री टू फोर डेज़ में गाइज आप बाहर जा सकते हैं वहाँ पर आपको कई रेस्टोरेंट्स पर कई शॉप्स पर आपको बाहर लिखा होता है कि रूम फोर रेंट टू लेट वगैरह वगैरह आपको मिल जाता है या फिर आपको बाहर सेंटर में मिल जाते हैं पोल्स पर काफी जगह या फिर पोस्ट ऑफिस में अगर आप पता कर सकते हो तो आपको इजिली ऐसे अकोमोडेशन मिल जाएगी इसके अलावा गाइज आप स्ट्रीट में जा सकते हैं स्ट्रीट में भी काफ़ी घर के बाहर लिखा होता है टू लेट फोर रेंट कि ये हाउस रेंट पर है ये हाउस रेंट पर खाली है यहाँ पर एक रूम फ्री है या फिर टू रूम आर फ्री तो ऐसे कर कर गाइज आप अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो इसके अलावा गाइज अगर आप स्पेयर रूम डॉट कॉम पर फाइंड कर सकते हो तो उस पर आपको ग्रंटेड की नीड पड़ती है एंड काफ़ी में गाइज ग्रंटेड की नीड नहीं पड़ती एंड उस पर गाइज जो प्राइजेज होते हैं या फिर रेंट होता है वो भी थोड़ा कम होता है सिक्सटी से सेवेंटी पाउंड्स पर वीक तक आपको मिल जाता है इसके अलावा गाइज आपका अगर कोई फ्रेंड वगैरह रहता है तो आपको तो आप उसको टू मंथ्स पहले बोल सकते हो अगर आप इंडिया में हो कि कि भाई प्लीज मेरे लिए अकोमोडेशन वगैरह का अरेंज कर दे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सभी लंडन में थे लेकिन मैनचेस्टर में मेरा कोई नहीं था लेकिन फॉर्चुनेटली गाइज आफ्टर लॉर्स ऑफ स्ट्रगल गाइज मुझे अकोमोडेशन मिल गई है यूके में बिकॉज मैं होटल में रहता एंड उसके बाद गाइज मैंने फाइन करना स्टार्ट किया इसके बाद मुझे काफी सारे फ्रेंड्स बने हैं और उनके साथ बात करने के बाद गाइज मुझे भी अकोमोडेशन गाइज मिल गई है तो अभी मैं अकोमोडेशन में ही हूं तो ये सभी प्रॉब्लम गाइज आपको फेस करनी पड़ सकती है आपको मैंने काफी सारी साइट्स दी है। यहां पर जहां पर जाकर आप easily accommodation find कर सकते हो इसके अलावा आपके पास होती है की फेसबुक पर, जा, uh, पर गाइज काफी सारे ग्रुप्स बने होते हैं स्टूडेंट्स के uh, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं इसके अलावा गाइज अभी मैं न्यू हूं एंड थ्रू ऑफ द टाइम गाइज मुझे और भी बातें पता चल जाएंगी एंड कि कैसे आप इजिली अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो तो मैं आपको आ, बताने की जरूर ट्राई करूंगा सो so गाइज यही थे वो वेज की आप कैसे अकोमोडेशन फाइंड कर सकते हो एंड किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है एंड गाइज यहां पर डिपोजिट वगैरा भी होता है तो आप मेक श्योर की इंडिया से अपने लिए कम से कम थ्री मंथ्स का जो आ, कह सकते हैं कि थ्री मंथस का जो एक्सपेंसिज आपके पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है सो so दैट की गाइज आप यहां पर कोई स्ट्रगल ना फेस करो बिकॉज गाइज जब भी आप यहां पर आते हो तो आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से थक जाते हो तो अगर उसके बाद थर्ड आपके पास पैसे भी नहीं है आपके पास खर्चने के लिए तो थ्री चीजें गाइज आपको घेर लेती हैं तीनों साइड से तो आपका गाइज माइंड काम नहीं करता तो एटलीस्ट आपके पास इतने पैसे हों कि आप वन वीक टू वीक तक होटल में अगर रहोगे तो आपका इजिली सर जाएगा एंड आपको अकोमोडेशन वगैरह भी मिल जाएगी तो मिलते हैं गाइज एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगर आपको ये वीडियो लगे तो लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दीजिए तब तक बाय